गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की क्लास में जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस का, सिग्माट्रोपिक रिएक्शंस मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाई थी, आज सिग्माट्रोपिक रिएक्शंस के टाइप। सबसे पहले रिएक्शन कोप रीअरेंजमेंट। कोप रीअरेंजमेंट होती किसमें? कोप रीअरेंजमेंट 1,5-hexadiene में होती है, 1,5-hexadiene में। ये थर्मल कंडीशन में 3,3-sigmatropic रीअरेंजमेंट होती है। क्या होता है इसमें? थर्मल कंडीशन में 3,3-sigmatropic रीअरेंजमेंट होती है। मैंने आपको एक चीज बताया था, 3,3 मतलब टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, और आपको पता है, मैंने आपको बताया था 3,3-sigmatropic अरेंजमेंट, 3, 3, 3, 6 को मैं कहां से रिलेट कर सकता हूँ? 4n+2 होगा तो थर्मल, तो ये 3,3-sigmatropic रीअरेंजमेंट थर्मल कंडीशन में होगी। थर्मल कंडीशन में कैसे होगी? देखो, ये इलेक्ट्रॉन पेयर, ये 1,5-hexadiene, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां 1, 2 के बीच, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां और ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां। मैंने आपको लास्ट क्लास में 3,3-sigmatropic रीअरेंजमेंट का नोमेनक्लेचर किस तरीके से देते हैं ये सिखाया था। तो देखो, यहां 3, 3 के बीच बॉन्ड बन रहे, 2, 3 के बीच टूट रहे, 1, 2 के बीच बन रहे, 1, 1 का टूट रहे, 1, 2 का बन रहे और 2, 3 का टूट रहे। तो ये क्या बन गई? 6 मेंबर। फिर ये 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, ठीक है। ये 6 मेंबर की जो भी ट्रांजिशन स्टेट वगैरह होती है वो चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, आपको पता ही है। ये फाइनल प्रोडक्ट बनाएगा। देखो, 1, 2 के बीच बॉन्ड, 3, 3 के बीच सिग्मा बॉन्ड और यहां 1, 2 के बीच डबल बॉन्ड। अल्टीमेटली देखो, 1, 1 से ही ये सिग्मा बॉन्ड शिफ्ट हो गया 3, 3 के बीच, तो 3,3-sigmatropic रीअरेंजमेंट है ये। आगे चलता हूं मैं, इसी में ही मैं आगे चलता हूं। देखना, ये मैंने कोप रीअरेंजमेंट ली, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इन दोनों के बीच में और ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां, ठीक है। 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनी। इसको मैं चेयर फॉर्म में कैसे दिखा रहा हूं इसको देखना एक बार। मैं यहां पे नंबरिंग कर रहा हूं, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3। इसको देखना चेयर फॉर्म में कैसे दिखा है, 1, 2, 3 और 1, 2, 3। इस चेयर फॉर्म को ध्यान से देखना, 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट जो चेयर फॉर्म की है उसको ध्यान से देखना। ये तो है कोप रीअरेंजमेंट। इसी में ही देखना, अगर मैं यहां पे 1 पे नाइट्रोजन लगा दूं, इस पूरी रीअरेंजमेंट को सेम रखूं, बस यहां पे नाइट्रोजन लगा दूं, तो ये रिएक्शन हो जाएगी अजाकोप रीअरेंजमेंट। देखना, मैं एग्जांपल लेता हूं, अजाकोप रीअरेंजमेंट बिल्कुल सेम रिएक्शन है, बस डिफरेंस कितना सा है, पहले 1, 1 का बॉन्ड था कार्बन कार्बन का कोप में, अब 1, 1 का बॉन्ड है कार्बन और नाइट्रोजन का अजाकोप में, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां रीअरेंज, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां और ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां, ठीक है। इतनी बात समझ आई? 3,3-sigmatropic शिफ्ट होगा, वही 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू होगा। कैसे बनेगी ये ट्रांजिशन स्टेट? देखना, यहां इस कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड टूट रहा है, ये 1 नंबर कर दे, 1, 2, 3, 2, 3, तो 1, 2, 3, 2, 3, ठीक है। 2 और 3 का पाई बॉन्ड टूट रहा है, 3 और 1 के बीच बन रहा है, 1, 1 का टूट रहा है, 1, 2 के बीच बन रहा है, 2, 3 का टूट रहा है और 3, 3 के बीच बन रहा है। ये 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट होगी। इसको मैं चेयर फॉर्म में दिखा सकता हूं। यह हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। अगर मैं यहां नाइट्रोजन की जगह ऑक्सीजन कर दूं तो रिएक्शन का नाम बदल जाएगा। अगर मैंने यहां पे नाइट्रोजन की जगह ऑक्सीजन कर दिया, देखो दोनों कार्बन थे तो कोप, एक नाइट्रोजन कर दिया तो अजाकोप, अगर इसको ऑक्सीजन कर दूंगा तो ये रीअरेंजमेंट हो जाएगी क्लेजन कोप। देखना एक बार। तो बच्चों, मैं क्लेजन कोप रीअरेंजमेंट के बारे में आपको बता रहा था। क्लेजन कोप क्या है? देखो, यहाँ पे नाइट्रोजन था तो अजाकोप, कार्बन था तो
स्कोप, ऑक्सीजन है तो क्लेजन स्कोप। रिएक्शन करने का तरीका वही रहेगा, ये इलेक्ट्रॉन पेरिया, ये इलेक्ट्रॉन पेरिया और ये इलेक्ट्रॉन पेरिया। रिएक्शन वही सिक्स मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू ही होगी। मैं इसे यहाँ पे लिख देता हूँ, सिक्स मेंबर्ड CTS इसके थ्रू ही होगी। बस 1 2 3 1 2 3 3 3 के बीच सिग्मा बॉन्ड आ जाएगा। मैं अगली रिएक्शन पे चलता हूँ। बच्चों अगली रिएक्शन जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है क्लीजन रीअरेंजमेंट। क्लीजन रीअरेंजमेंट क्या होती है? 3-3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट ही होती है। क्लीजन रीअरेंजमेंट क्या होती है? 3-3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट ही होती है, ठीक है। किसकी? अराइल अलाइल ईथर की। अराइल अलाइल ईथर की देखना एक बार। थर्मल 3-3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट है तो थर्मल कंडीशन में ही होगी। अराइल अलाइल ईथर की होती है। ईथर क्या होते हैं? OROR ईथर होते हैं, यानी इस ऑक्सीजन पे एक साइड अलाइल ग्रुप लगाए और एक साइड अराइल ग्रुप लगाए, तो तभी तो ये अलाइल अराइल ईथर बनेगा। देखो ये ऑक्सीजन ईथर वाला, एक साइड ये फिनाइल रिंग लगाए तो अराइल, और एक साइड CH2 लगाए तो ये अलाइल ग्रुप। इतना ये अलाइल ग्रुप है, इतना ये अराइल ग्रुप है और ये ईथर है। इसमें थर्मल कंडीशन में 3-3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट कैसे होगी? देखो आप ये देख सकते हो कि इस पूरे मॉलिक्यूल में सिर्फ इन दो एटम को छोड़ के, एक ऑक्सीजन और एक इस कार्बन को छोड़ के, सारे एटम sp2 हैं। ये दोनों भी sp2 हैं और ये सारे भी sp2 हैं। तो जहां पे सिग्मा बॉन्ड है, जहां पे कोई पाई बॉन्ड नहीं है, सिग्मा बॉन्ड है, वहां पे मैं नंबरिंग देता हूं 1 और 1। तो मैंने क्या कहा, ये ट्रिक है पता लगाने की कि कहां पे 1 1 देंगे। देख लो ये दोनों sp3 हैं तो यहाँ पे सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है, और सिग्मा बॉन्ड है तो इन दोनों को दिया मैंने 1 1। इस 1 के रिस्पेक्ट में ये 2 3 और इस 1 के रिस्पेक्ट में ये 2 3। तो मैं कैसे कहूंगा, इस इलेक्ट्रॉन पेयर का शिफ्ट कहां हुआ? इस 3 पे। ये इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट कहां हुआ? 1 2 के बीच। और ये इलेक्ट्रॉन पे शिफ्ट वाइज 1 2 के बीच। तो देखो इस CH2 पे मैंने स्टार लगा रखा है दिखाने के लिए आपको। ये CH2 कहां जुड़ गया? इस 3 से, ठीक है। इस CH2 पे क्या जुड़ा हुआ? एक CH डबल बॉन्ड तो खत्म हो गया, ठीक है। और इस CH से क्या जुड़ा हुआ? एक CH2। यहां डबल बॉन्ड आ रहा है, देखो डबल बॉन्ड मैंने बना दिया। अच्छा इस CH2 और इस ऑक्सीजन का बॉन्ड मैंने तोड़ दिया है जो टूट चुका है। और देखो ये इलेक्ट्रॉन पे जब यहां शिफ्ट हो रहा है तो यहां ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड आ रहा है। इतनी बात समझ आई? यह है यहां पर तक 3-3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट है। इसके बाद क्या होगा, मैं इतने स्टेप को एक बार के लिए हाइड कर लेता हूं। तो देखना अभी ये रिंग एरोमेटिक थी, 3-3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट हुई तो इस रिंग की एरोमेटिसिटी खत्म हो गई। तो क्या होगा, देखो ये रिंग पहले एरोमेटिक थी, अब एरोमेटिसिटी लूज की तो एरोमेटिसिटी रिगेन करेगी। एरोमेटिसिटी रिगेन कैसे करेगी? टोटोमेरिज्म से। टोटोमेरिज्म क्या होगा, कहां होगा? इस ऑर्थो वाले हाइड्रोजन के शिफ्ट होगा। देखो ये इलेक्ट्रॉन पेयर कहां आएगा? इस रिंग के बीच। ये इलेक्ट्रॉन पेयर कहां आएगा? इस रिंग के बीच। ये इलेक्ट्रॉन पेयर कहां जाएगा? ऑक्सीजन पे। यहां क्या बनेगा? यहां क्या बनेगा? ओ नेगेटिव। यहां ये एच कहां चला जाएगा? इस ऑक्सीजन पे। तो यहां बन गया OH, ये 3 डबल बॉन्ड वापस, और ये ग्रुप लगाई हुआ है। आप एक चीज ध्यान दे सकते हो, इस एक 3-3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट से जो ऑक्सीजन पे अलाइल ग्रुप लगा था वो माइग्रेट हो गया, रीअरेंज हो गया। कहां रीअरेंज हो गया? इस ऑर्थो पोजीशन पे। बात समझ आ रही है? अच्छा थर्मल कंडीशन पे ये 3-3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट सिर्फ एक बार नहीं हो सकती, या मैं यूं कहूं ये अलाइल ग्रुप सिर्फ ऑर्थो पे माइग्रेट नहीं हो सकता, ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि अलाइल ग्रुप ऑर्थो की जगह पैरा पे भी माइग्रेट हो जाए। ऑर्थो के साथ, ऑर्थो पे तो माइग्रेट हुई, पैरा पे भी माइग्रेट हो जाए, कैसे देखना। अब इस पूरे सिस्टम में देखो, मैंने आपको ट्रिक बताई कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम ढूंढो। देखना इस CH2 की हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 है, कोई डबल बॉन्ड नहीं है इसका, और इस
कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 है, इसका भी कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो मैं इन दोनों को 1-1 कहूंगा। इस 1 के रिस्पेक्ट में ये 2 और 3 और इस 1 के रिस्पेक्ट में ये 2 और 3, ठीक है। अब देखना क्या होगा, ये 3 कहां अटैक करेगा, इस 3 पे, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां शिफ्ट होगा और ये इलेक्ट्रॉन पेयर इन दोनों कार्बन के बीच में, यानी ये CH2 जुड़ गया कहां, इस 3 से, देखो नीचे जोड़ दिया, इस CH2 से कौन जुड़ा, ये एक CH ये जुड़ा हुआ, और इस CH से डबल बॉन्ड के थ्रू ये CH2 जुड़ा हुआ है, देखो यहां इलेक्ट्रॉन पेयर आ रहे हैं तो यहां डबल बॉन्ड बनेगा, यहां डबल बॉन्ड मैंने बना दिया। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां शिफ्ट हो रहा है तो इस 1 और इस 2 के बीच में मैं नंबरिंग कर देता हूं, एक बार देखना, अगर मैं ऊपर वाले के हिसाब से देखो तो ये 1, 2, 3 है और ये 1, ये 3, 2, 1 है, देखना एक बार, ठीक है। अभी देखो फिर से क्या होगा, टोटोमेरिज्म होगा, टोटोमेरिज्म कैसे होगा, यहां वाले हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां रिंग में, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां और ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस ऑक्सीजन पे, क्या बनेगा, इनोलाइजेशन, टोटोमेरिज्म, ये रिंग एरोमेटिक बन जाएगी और यहां OH बन जाएगा, अल्टीमेटली ये जो अलाइल ग्रुप था ये कहां माइग्रेट हो गया, पैरा पे माइग्रेट हो गया, तो ये थी क्लेजन रीअरेंजमेंट। क्लेजन रीअरेंजमेंट में अलाइल अराइल ईथर्स में थर्मल कंडीशन में 3-3 सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट होती है, ये जो अलाइल ग्रुप है ये ऑर्थो पे माइग्रेट हो सकता है और पैरा पे माइग्रेट हो सकता है, इसके ऑर्थो पे माइग्रेशन की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है, ये ऑर्थो पे माइग्रेशन होता है, इसलिए मैंने यहां पे लिखा है कि सिर्फ यही बनता है, ये पैरा वाला माइग्रेशन वाला प्रोडक्ट नहीं बनता। आगे हम देखते हैं कि इस क्या क्या पॉसिबिलिटी है, कहां कहां ये पैरा माइग्रेशन वाला प्रोडक्ट बन सकता है, किस किस तरह के इसके मैकेनिज्म हो सकते हैं और बाकी सब चीजें देखना बच्चों। अभी मैंने आपको क्लेजन रीअरेंजमेंट के बारे में पढ़ाया, तो देखो ये अलाइल ग्रुप कहां माइग्रेट होता है, ऑर्थो पे, फिर टोटोमेरिज्म के हेल्प से ऑर्थो वाला प्रोडक्ट बने, या फिर फर्दर इसमें 3-3 सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट हो। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जब ये पहली 3-3 सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट हुई तो इसमें ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट है, देख सकते हो आप, जब ये दूसरी वाली 3-3 सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट होगी तो इसमें ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं है। देखो इस सारे कार्बन एटम्स के बीच ये 3-3 सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट हो रही है, और कार्बन एटम में जब 3-3 सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट होती थी तो हम उसे, जब कार्बन एटम में 3-3 सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट होती थी तो हम उसे क्लेजन रीअरेंजमेंट नहीं, कोप रीअरेंजमेंट कहते थे। यानी मैं यहां पर यह ऐसा कह सकता हूं, जब एक बार रीअरेंजमेंट हुई है जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व है तो ये क्लेजन है, और दूसरी बार जब रीअरेंजमेंट हुई है तो ये कोप रीअरेंजमेंट है। प्रोडक्ट हम इसको क्लेजन रीअरेंजमेंट का ही कहेंगे, लेकिन पहले वाला स्टेप क्लेजन का है और दूसरा वाला स्टेप कोप का है, ठीक है। तो या तो ऑर्थो प्रोडक्ट बन सकता है या पैरा प्रोडक्ट बन सकता है। अब एक चीज ध्यान रखना, देखना पहले ये ऑर्थो पे माइग्रेट हुआ, ऑर्थो पे माइग्रेट होने के बाद दो पॉसिबिलिटी है, देखो या तो ये 3-3 सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट फास्ट हो या फिर ये टोटोमेरिज्म फास्ट हो, इन दोनों में से जो प्रोसेस फास्ट होगी वो जल्दी होगी। क्या कह रहा हूं मैं, इन दोनों में से जो प्रोसेस फास्ट होगी उसको हम प्रेफर करेंगे, और यहां मैं ऐसा कहता हूं कि ये जो टोटोमेरिज्म या इनोलाइजेशन होता है ये फास्ट होता है, किसके कंपैरिजन में, ये 3-3 सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट के कंपैरिजन में, यानी ऑर्थो पे माइग्रेशन के बाद ये जो पाथ है ये फास्ट है, ये रिएक्शन फास्ट है और ये रिएक्शन स्लो है, इसलिए मैंने वहां पे कहा था कि पैरा वाला प्रोडक्ट नहीं बनता और सिर्फ ऑर्थो वाला प्रोडक्ट बनता है, पैरा वाला प्रोडक्ट नहीं बनता और सिर्फ ऑर्थो वाला प्रोडक्ट बनता है, इस बात को मैंने यहां पे भी लिख रखा है। इन अनसब्स्टिट्यूटेड फिनाइल ईथर इनोलाइजेशन या फिर मैं जिसको टोटोमेरिज्म के भी कह रहा हूं इज नॉर्मली फास्टर देन कोप रीअरेंजमेंट, इस कोप रीअरेंजमेंट से फास्ट है इनोलाइजेशन, ठीक है, और इसलिए ऑर्थो आइसोमर ही
प्रीडोमिनेंटली या सिर्फ वही बनता है, दूसरा नहीं बनता। ठीक है, अब आगे की कंडीशंस की बात करते हैं। देखना, पहले मैं एक बार वापस ऊपर जाऊंगा। देखना, अभी तक जब आप इसका केस ले रहे हो तो एक चीज ध्यान देना, अभी तक ये फिनाइल रिंग सब्स्टिट्यूटेड नहीं है। नीचे में जो केस लूंगा उसमें फिनाइल रिंग सब्स्टिट्यूटेड होगी। देखना, केस पहला, जब एक ऑर्थो पोजीशन को मैंने ऑक्यूपाई करवा दिया, तो देखना ये CH2 यहां ट्रांसफर होगा, ये मतलब अलाइल ग्रुप इस वाली ऑर्थो पोजीशन पे ट्रांसफर हो जाएगा और इनोलाइजेशन होके ऑर्थो प्रोडक्ट दे देगा। लेकिन दूसरा केस देखना, जब दोनों ऑर्थो पोजीशन ऑक्यूपाई है तो देखना, ना ही इस पोजीशन पे हाइड्रोजन है और ना ही इस पोजीशन पे हाइड्रोजन है। जब ये अलाइल ग्रुप, मैं क्या कह रहा हूं, ना ही इस ऑर्थो पोजीशन पे हाइड्रोजन है ना ही इस ऑर्थो पोजीशन पे हाइड्रोजन है, तो जब ये अलाइल ग्रुप इस ऑर्थो पोजीशन पे माइग्रेट होगा तो अब इनोलाइजेशन या टोटोमेरिज्म होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। जब इन ऑर्थो पोजीशन पे हाइड्रोजन ही नहीं है तो टोटोमेरिज्म की पॉसिबिलिटी भी नहीं है। मतलब अब एक और बार ये 3-3 सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट या कोप रीअरेंजमेंट होगी। बात समझ आ रही है? इतनी बात समझ आई? मैंने क्या कहा, देखो ऊपर वाले में देखो, यहां इस ऑर्थो पोजीशन पे एक हाइड्रोजन है तो एक बार ये ऑर्थो पे आया और फिर टोटोमेरिज्म की हेल्प से ऑर्थो वाला प्रोडक्ट बन गया। लेकिन यहां ऑर्थो पे हाइड्रोजन नहीं है, यानी अगर मैं इसका माइग्रेशन सिर्फ ऑर्थो पे करके टोटोमेरिज्म करना चाहूं तो वो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। यानी यहां पे ये फिर पैरा पे जाएगा। अब देखो, पैरा पे हाइड्रोजन है, यहां पे इनोलाइजेशन या टोटोमेरिज्म होगा और पैरा प्रोडक्ट बनेगा। इस बात को मैं ऐसे कह सकता हूं कि अगर एक ऑर्थो पोजीशन ऑक्यूपाइड है, एक फ्री है, तो ऑर्थो पे आ सकता है। अगर दोनों ऑर्थो पोजीशन ऑक्यूपाई है तो ये जो अलाइल ग्रुप है ये कहां आएगा, पैरा पोजीशन पे आएगा। तीसरा केस देखना, जब दोनों ऑर्थो पोजीशन एज वेल एज पैरा पोजीशन आर ऑक्यूपाइड। देखो, दोनों ऑर्थो पोजीशन ऑक्यूपाई होगी और पैरा पोजीशन ऑक्यूपाई होगी तो इन पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं बचा। यानी अगर मैं इस अलाइल ग्रुप को माइग्रेट भी करा दूं तो टोटोमेरिज्म होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। एक चीज ध्यान देना, टोटोमेरिज्म होने के बाद रिंग की एरोमेटिसिटी रीजनरेट होती थी। तो उस स्टेप का होना बहुत जरूरी है। अगर वो स्टेप नहीं होगा तो रिंग की एरोमेटिसिटी रीजनरेट नहीं होगी, और रिंग की एरोमेटिसिटी जनरेट नहीं होगी तो रिएक्शन ही नहीं प्रोसीड करेगी। इसलिए देखो, यहां पे क्योंकि हाइड्रोजन नहीं बचे तो अगर ये अलाइल ग्रुप माइग्रेट करता है तो टोटोमेरिज्म नहीं हो सकता, और इसलिए ये अलाइल ग्रुप माइग्रेट ही नहीं करता। और थर्मल कंडीशन में यहां पे कोई भी 3-3 सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट नहीं होती, और इसलिए मैंने लिखा यहां पे कोई रिएक्शन नहीं होती। बच्चों, इतना समझ आया? बाकी काम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। कुछ इसमें इसके क्लीजन रीअरेंजमेंट के एग्जाम्पल्स हैं, उनका मैं कोशिश करूंगा एक असाइनमेंट बना के आपको ग्रुप में डाल दूं। आप उन क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश करना और इस सारे को ध्यान से पढ़ना। ये इम्पोर्टेंट पार्ट है थोड़ा सा हमारे पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री का, इसको ध्यान से पढ़ना। थैंक यू स्टूडेंट्स।